अस्सलाम वालेकुम, आई एम सर फहीम फ्रॉम डोलियाना पब्लिक स्कूल। आई टीच मैथमेटिक्स 4 क्लास 1। पेज नंबर 16 में आ जाइए। पेज नंबर 16 है हमारे पास नंबर्स, प्लस वैल्यू ऑफ नंबर्स अप टू 20। क्वेश्चन हमारे पास, राइट द मिसिंग नंबर्स। हमने जो मिसिंग नंबर्स हैं उसको नोट करना है, उसको फिल करना है। नंबर ए हमारा जो है इसमें सॉल्व है। बी पार्ट में आ जाइए। बी पार्ट में जो है ये हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है 10 के अंदर 2 को ऐड करना है। अब ये नंबर ऑफ पेंसिल्स जो हैं वो 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पेंसिल दी गई हैं। इसके साथ ही 2 पेंसिल को ऐड करना है। 2 पेंसिल को ऐड करने के लिए 10 के बाद 11 12। लिहाजा इस नंबर के अंदर में जो मिसिंग नंबर है जो हमने जो फिल करना है बॉक्स में उसको हमने 12 लिख दिया। अब इसके अंदर हमने दूसरी चीज़ जो बतानी है, 12 में 10 कितना है और 1s कितना है। 12 में जो है 10 जो है वो 1 है और 2 जो है वो 1s है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर 1 10 एंड 2 जो है 1s में लिख दिया। 1 यूनिट यानी कि 1s 10 में हमारे पास 1 आ गया और 1s में हमारे पास 2 आ गया। इसके साथ ही सी पार्ट में आ जाइए। सी पार्ट को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 3, अब ये नंबर ऑफ 10 पेंसिल्स हैं, इसके अंदर 3 पेंसिल्स ऐड करनी है। 10 के बाद क्या आता है, 11 12 13। लिहाजा हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 13। अब इसके अंदर हमने 13 के अंदर जो है हमने बताना है कि 10 कितने हैं और 1s कितने हैं। तो 10s जो है इसमें 1 है, सही, ये 1 है। लिहाजा हमने 1 10 एंड 1s कितने हैं, 1s जो है इसके अंदर 3 हैं। लिहाजा हमने इसके अंदर 3 लिख दिया। इसके साथ ही एक और पार्ट करते हैं हम इसी का। 10 के अंदर 4 ऐड करना है। 10 पेंसिल्स ये मौजूद हैं, 4 ये पेंसिल्स हैं आपकी, देखिए 1 2 3 4। तो 10 के बाद क्या आता है, 11 12 13 14। 14 लिख दिया। 14 के साथ ही अब 14 आने के बाद इसमें हमने नंबर ऑफ 10 बताने कितने हैं और नंबर ऑफ 1s बताने कितने हैं। नंबर ऑफ 10 जो है इसके अंदर वो 1 है, लिहाजा 1 लिख दिया। और 1s जो है इसके अंदर कितने हैं, 4 हैं, लिहाजा हमने 4 लिख दिया। कोई इतने ये ए बी सी डी आपके कंप्लीट हो गए। ई एफ आप प्रैक्टिस खुद करेंगे, इसी तरह ई एफ की खुद प्रैक्टिस करेंगे या आपका होमवर्क। इसी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 17 पे है। 17 में भी आपने वही चीज़ बतानी है कि इसके अंदर जो है 10s कितने हैं और 1s कितने हैं। 10 कितने हैं, 1s कितने हैं। देखें, ये तो नंबर ऑफ 10 पेंसिल्स हैं जो कि आपके बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हमने जो ऐड करनी है वो ये पेंसिल ऐड करनी है, यानी 10 के बाद क्या आता है, 11 12 13 14 15 16 17। लिहाजा आंसर यहाँ पे आ गया हमारे पास 70। इस पर हमने कितना ऐड करना है, 7 ऐड करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। हमने इसके अंदर जो ऐड करना है वो 7 ऐड करना है और इस पर हमारे पास कितना हो गया था, 17। यानी कि 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17। लिहाजा हमने वहाँ 17 लिख दिया। बिल्कुल सेम इसी तरह अब आपने ये नंबर ऑफ पेंसिल्स लिखनी है कितनी है। ये 10 तो ऑलरेडी उन्होंने बता दी है पहले, अब इसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हमारे पास पेंसिल्स जो हैं वो 8 पेंसिल्स हैं। अब इसके अंदर जो है 10 के बाद हम जो 8 काउंट कर लेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16। ये मैंने नंबर 8 पेंसिल्स काउंट करके यहाँ लिखनी थी। उसके बाद हमने जो है 10 में 8 को ऐड करना है। ये ऑलरेडी 10 मौजूद है। 10 के बाद क्या आता है, 11 11 12 13 14 15 16 17 18। लिहाजा यहाँ पर आ गया आंसर हमारे पास 18। ओके, यहाँ जो है ये 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है और 8 जो है हमने यहाँ से जो है काउंट करके यहाँ फिल किया। और इसके साथ ही हमने 10 के बाद जो कंप्लीट थे हमने, यानी कि 11 से जो काउंट करा और यहाँ पे जो नंबर आया उसको फिल कर दिया, सही। इसके साथ ही 18 में अब हमने 10s बताने हैं कितने हैं और 1s बताने कितने हैं। 18 में जो है 10 जो हैं वो 1 है, लिहाजा हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। और 1s जो हैं इसके अंदर 8 हैं, लिहाजा हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। ओके,
इसके साथ ही सी एंड डी जो है अब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, इसी के पेज नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट दिस नंबर इन टेंस एंड वंस। इसमें जो है हमने टेंस और वन बताने हैं, इसमें कितने हैं। ए आपका सॉल्व है, ए के अंदर देखिए 10 कितने हैं, 110 है, और वन कितने हैं, वो वन है, लिहाजा वहाँ पे 110 एंड 11। इसके साथ ही बी पार्ट में आइए, बी पार्ट में आप ये देखें कि इसमें 10 कितने हैं, 1 हमने लिख दिया, 110 और 1 कितने हैं, इसमें वंस कितने हैं, 4, लिहाजा यहाँ पे लिख दिया 4 वंस। इसके साथ ही सी पार्ट में आइए, सी पार्ट में बताएं कितने वंस, 10 कितने हैं और वंस कितने हैं, 10 जो है इसके अंदर 1 है, लिहाजा 110, वंस कितने हैं इसके अंदर 3, लिहाजा 3 वंस। इसके साथ ही डी पार्ट में आ जाइए, डी पार्ट में अब हमने बताने हैं कि उसके अंदर 10 कितने हैं, 10 है इसके अंदर 2 10 और हमारे पास जो है वंस कितने हैं 0 एंड हम लिखेंगे 01। ओके, इसके साथ ही आपका जो है ई एफ जी एच आप जो है इसको कंप्लीट करेंगे, जो आपके होमवर्क के लिए प्रैक्टिस है, ई एफ जी एच जो है आपका प्रैक्टिस के लिए है। पेज नंबर 18 में आ जाइए, पेज नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नंबर दैट इज, नंबर कितना होगा वो हमने बताना है। अब नंबर 1 जो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है, बी को हम देखते हैं, 110 यानी कि टेंस की जगह जो हमने 1 लिखना है और वंस की जगह हमने 5 लिखना है। इसी तरह सी में आ जाइए, 10 की जगह हमने 1 लिखना है और वंस की जगह हमने 9 लिखना है, लिहाजा 1 और ये आ गया हमारे पास 9। इसी तरह डी ई एफ जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। एक और करा देते हैं, इसमें 10 कितना है 1 और वंस कितना है 3। अब आप जो है इसका ई एफ जी जो है वो कंप्लीट करेंगे, ई एफ जी जो है आपका, ये आपका होमवर्क आ गया जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद इसके साथ ही सेम पेज यानी 18 पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर फाइव राइट इन वर्ड्स एंड इन फिगर। इसको जो हमने वर्ड्स में भी लिखना है और फिगर में भी लिखना है। ए पार्ट आपका सॉल्व है, बी पार्ट आपको बताते हैं, 110 एंड 8 वंस कितना हुआ, ये 1 के आगे आप जो 8 लिखे हैं, यानी इसको आप अगर पहले फिल कर लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी, 110 और वंस कितना है 8, कितना हुआ 18, अब आपने यहाँ पे 18 लिखना है। सही है, इसके साथ ही सी पार्ट देखिए, 110 एंड 0, 110 यानी टेंस में जो है आपने 1 लिखना है और वंस में जो है आपने 0 लिखना है, आपने 0 लिख दिया और इसके साथ ही अब आप बताएं कितना हुआ ये 10, हमने यहाँ पे आंसर 10 लिख दिया। इसके साथ ही डी ई एफ जो है आप कंप्लीट करें, डी ई एफ जो है आपका ये होमवर्क आ गया। ये 2 पार्ट आपको मैंने समझा दिए, 3 पार्ट्स आपने इसको खुद सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, व्हाट नंबर डज द एबाकस शो, राइट इन द बॉक्स, हमने बॉक्स के अंदर इसको नंबर्स को शो करना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ए सॉल्व है और यहाँ पर हमने यहाँ पे देखें टेंस में कितना है 1 है एंड वंस में कितना है 2 है, लिहाजा वंस की जगह हमने 2 लिखा और टेंस की जगह हमने 1 लिख दिया। इसी तरह सेम जो है वंस की जगह हमने 1 लिखा और 10 की जगह हमने 1 लिखा। इसी तरह डी में आइए, डी में भी जो है इसमें जो है हमारे पास टेंस में कोई नहीं है, सही,
और वंस में जो हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं लिहाजा हम उसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लिहाजा इसमें सिर्फ वंस ही मौजूद हैं जो कि 9 हैं। इसी तरह इसके ई पार्ट में आ जाइए, ई पार्ट में आप देखें इसमें क्या था, वंस में मौजूद नहीं था, इसमें टेंस में मौजूद है लेकिन वंस में नहीं है, लिहाजा वंस की जगह कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट टेन है, लिहाजा वन की जगह जब कोई वैल्यू मौजूद ना हो तो वहाँ पे काउंट क्या लिया जाएगा, हम ज़ीरो काउंट करेंगे, यानी इसमें कोई नहीं है, लिहाजा हमने वंस में ज़ीरो लिया और टेंस में हमारे पास टू है, 1, 2 हमने 2 लिख दिया। इसके साथ ही एफ में आ जाइए, वंस में हम काउंट करते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वंस में आ गया हमारे पास 7 आ गया, 7 लिख दिया, टेंस में हमारे पास 1 है और ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके साथ ही पेज नेक्स्ट पेज पे आइए, 7 पे आइए, नंबर 7 में जो है अब आप अपने देखें, फिर वही हमने मिसिंग नंबर जो है वो हमने बताने हैं कि कौन सा बॉक्स में क्या नंबर आएगा। अब आप ये देखिए कि वंस में जो है इससे पहले जो मैंने आपको कराया बिल्कुल सेम है, सही, यानी वंस में जो है 0 एंड टेंस में जो है 2, तो अब हमने इसको 20 हुआ, आप इसको आसानी के लिए 20 अपने चाहें तो साइड में लिख सकते हैं 20, और इसको आप जो है 20 करके लिख दें यहाँ, और ये आप सिर्फ रफ वर्क है, आप इसको चाहें तो लिखें चाहें तो ना लिखें, सही। तो हमने यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 20। इसके साथ ही यहाँ पर आइए सी पार्ट में आइए, सी पार्ट में वंस कितने हैं उसको काउंट कर लेंगे और 10 कितने हैं उसको काउंट कर लेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, आप रफ में थोड़ा सा 5 लिख लें, और टेंस में कितना है 1, यह है 15, बहुत लाइटली आप लिख सकते हैं इसको, बहुत छोटा लिखेंगे रफ वर्क, और ये यहाँ पे आप लिख देंगे 15। इसके साथ ही डी एंड ई आप इसको सॉल्व कर लें, डी एंड ई आप जो है इसको सॉल्व करें। इसके बाद आप पेज नंबर 22 पे आ जाइए, 22 पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, काउंट इन टेंस एंड राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। अच्छा, उसमें हमने कितना काउंट करना है, टेंस काउंट करना है, टेंस काउंट करना है, यानी कि इस तरह ये हुआ 10, 20, 30, मतलब टेंस के अंदर 10 जब काउंट करते चलेंगे वो हमने वैल्यू करके लिखनी है। नंबर 1 आपकी मौजूद है 10 के बाद 20 के बाद क्या आएगी 30, अगर हम 10 इसमें ऐड करेंगे 30, उसके बाद क्या आएगी 40, उसके बाद क्या आएगी 50। अभी देखिए वैल्यू बढ़ रही है, असेंडिंग ऑर्डर में जो है पहले सबसे पहले जो है वो छोटी वैल्यू लिखी जाती है और लास्ट में जो है सबसे बड़ी वैल्यू मौजूद होती है, और इसमें कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं होता कि जो है मुसलसल इंक्रीज़ ना हो रहा हो, यानी बढ़ ना रहा हो, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, हमने 50 तक सॉल्व कर लिया, उसके बाद 50 के बाद 60, उसके बाद 70, 80 एंड 90। इसके साथ ही अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 को जो है अब आपको मैं सिर्फ समझा के जो है आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। काउंट इन टेंस एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तो जाए डिग्रीज होते चले, यानी कम होती चले, वर्ड जो है ये देखिए डिसेंडिंग यानी डिक्रीज होता है, तो डिग्रीज में जो है कम होता चले जाएगा। लिहाजा आप देखिए सबसे पहले नंबर क्या है, 90, 80, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर अब आप खुद बताएंगे, 90 के बाद 80 आ गया, उसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी होगी 80 के बाद, 70, और इसके साथ ही अब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर आपके समझ में आना चाहिए, यानी 60, 50, 40, 30, 20, 10, आप इसको खुद कंप्लीट कर लें। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं, विच इज ग्रेटर, वो बताना है जो ग्रेटर है, विच इज स्मॉलर, और वो बताना है जो स्मॉलर है, सही। अब हम इसको बताते हैं, यहाँ पर लिखा है 40, ए पार्ट सॉल्व है, 40 इज स्मॉलर देन 60, 40 जो है वो 60 से छोटा है। इसी तरह आते हैं हम यहाँ पर, 10 इज, अब हमने यहाँ पर बताना है डैश
देन 20। 10 जो है किससे, 10 20 से बड़ा है या छोटा है, अब हमने इसको फिल करना है। 10 जो है वो 20 से छोटा है, लिहाजा यहाँ से यहाँ लिखेंगे हम स्मॉलर, यानी कि 10 इज स्मॉलर देन 20। 10 जो है छोटा है किससे, 20 से। इसी तरह सी पार्ट में आ जाइए, सी पार्ट है हमारे पास 50 इज ब्लैंक देन 40। अब ये देखिए कि 50 जो है वो 40 से बड़ा है या छोटा है, यही क्वेश्चन था हमारा कि हमने वो बताना है जो ग्रेटर है यानी बड़ा है, और जो छोटा है हमने उसके मुताबिक बताना है। 50 जो है 40 से बड़ा है, लिहाजा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ग्रेटर आएगा। इसी तरह डी पार्ट में आ जाइए, डी पार्ट में हमारे पास है 80 इज ब्लैंक देन 30। 80 जो है वो 30 से छोटा है या बड़ा है, 80 जो है बड़ी वैल्यू है, 30 छोटी वैल्यू है, लिहाजा यहाँ पर भी आएगा 80 इज ग्रेटर देन 30। 80 जो है वो 30 से बड़ा है, सही है, यहाँ पर भी हम ग्रेटर लिख देंगे। इसके साथ ही अब आप जो है इसकी ई एफ जी एच को जो है आप जो है खुद प्रैक्टिस करेंगे, वो आपका होमवर्क हो गया, यानी कि ई एफ जी एच जो है अब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही अब आप पेज नंबर 24 में आ जाएं, 24 में क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द मिसिंग वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मिसिंग वर्ड्स को हमने जो है लिखना है वर्ड्स में, मिसिंग वर्ड्स को हमने वर्ड्स में लिखना है, जो यानी कि जो यहाँ पे स्पेस है उसके अंदर हमने नंबर शो करना है। अब आप यहाँ देखें, फोर टेंस में जो है 4 है और वंस में जो है 0 है। अब आप जहन में कोशिश करें, इससे पहले आपको मैंने रफ में कराया था कि आप रफ में लिखना चाहें लिख लें, 4 के आगे अगर आप 0 लगाएं कितना होगा, 4 के आगे आप 0 लगाएं कितना होगा, 40। लिहाजा हम यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे 40। इसी तरह इसके साथ ही सी पार्ट में आइए, सी पार्ट में जो है 7 टेंस 10। अब आप ये देखिए 7 के आगे अगर आप 0 लगाएंगे कितना होगा, 70। आपने वर्ड्स में लिखना है 70, हम यहाँ पे लिख देंगे 70। इसके साथ ही डी में आइए, डी में है हमारे पास 9 टेंस 1 वंस, यानी कि 9 के आगे हमारे पास कितना लगाना है आगे वंस में, 0। 9 के आगे आप 0 लगाएंगे कितनी वैल्यू हो गया हमारे पास, 90। लिहाजा यहाँ पर भी आप जो है आप 90 फिल करेंगे। ओके, पेज नंबर 25 में आइए, 25 में स्टार्ट विथ 5 से स्टार्ट करना, एंड काउंट एंड राइट इन टेंस, और टेंस की सूरत में जो है उसको राइट करके लिखना है, सही है। तो 5 में 10 को ऐड किया, 15 हो गया, 15 के बाद फिर आप जो है इसके अंदर 10 से ऐड करें कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25। उसके बाद इसी तरह आप इसको फिल करें कंप्लीट, सही। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है जो आपको मज़ीद बताऊं मैं, यानी कि 10 उसका फिर आप 10 काउंट करते चले जाएंगे और जो जो वैल्यू आती जाएगी हम फिल करते जाएंगे। इसके बाद अब आप पेज नंबर 26 में आ जाएं, राइट द मिसिंग नंबर, हमने जो है इसमें मिसिंग नंबर को जो है लिखना है, सही। तो नंबर 1 जो हमारे पास 10 है, 10 के बाद आ गया हमारे पास 20, और 20 के बाद नंबर मिस है और उसके बाद आ गया 40। अब अभी जो सीक्वेंस देखें कि 10 में के बाद 20, यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पे 40 आ रहा है यहाँ पे फिर उस सूरत में 30 आना चाहिए। अब देखें 10 20 30 40, 40 के बाद क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ लिख देते हैं 50 के बाद क्या आ जाएगा 60 के बाद 70 आ गया और मिसिंग नंबर हमारे पास 80 आ गया। इसके साथ एक और कराते हैं, अब का बी पार्ट 2 से स्टार्ट हुआ, 2 में अब आप जो है 10 ऐड करें तो 12 हो रहा है, सही। अब 12 के अंदर 10 ऐड करें तो 22 हो रहा है,
22 के अंदर आगा, फिर 10 ऐड करें तो कितना होगा, 3 टू 32, फिर उसके अंदर 10 ऐड करें कितना होगा, 4 टू 42, और आप ये देखिए फिर 5 टू 52 आ गया, 5 टू 52 के बाद 6 टू 62, इसके साथ ही यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर जो होगा 7 टू 72, और इसके साथ ही हमारे पास 82 आ गया। इसी तरह आप जो है ये आपको दो पार्ट सोल्व कराए गए सी डी ई, आप जो है इसके आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, यानी इनको फिल करेंगे इस तरीके से सी डी एंड ई। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दूं, सी के लिए 17 में 10 ऐड करें 27 हो गया, 27 में फिर 10 ऐड करें 37 हो गया, फिर उसमें 10 ऐड करें 47 हो गया, 47 में फिर 5 ऐड करेंगे 57, और इस तरह आप 10 ऐड करते हुए आखिर में 97 पहुंच जाएंगे। ओके चलें जी पेज नंबर 27 में आ जाएं। राइट द मिसिंग नंबर एंड द नंबर नेम्स, मिसिंग नंबर लिखने हैं और उसके साथ ही हमने जो है नेम बताना है वो क्या है, नंबर नेम क्या है वो उसको हमने लिखना है। अब यहाँ पर आप देखिए 2020 में 1 ऐड करें कितना होगा, 10, 20 and 1, 21, अब यहाँ पे देखिए 21 लिखा हुआ है, इसके साथ ही 10, 20, 20 में कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 21, 22, लिहाजा 22 लिख दिया, और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए 22 आ गया। इसके साथ ही डी पार्ट में आ जाइए, डी पार्ट में क्या हमारे पास 10, 20, हमने यहाँ पे सबसे पहले 20 लिख दिया, प्लस 1, 2, 3, यहाँ पे 3 आ गया, इसको ऐड करें, 20, 21, 22, 23, यहाँ पे 23 आ गया, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पे हम भी लिख देंगे 23। इसके बाद नेक्स्ट ई में आ जाइए, ई में कितना है 10, 20, हमने यहाँ पे 20 लिख दिया, 1, 2, 3, 4, प्लस 4, हमने 4 लिख दिया, 10, 20, 21, 22, 23, 24 आ गया, और यहाँ पर भी जो है हम 24 लिख देंगे। इस तरह जो है अब आप इसको जो है ई तक आपको सॉल्व करा दिया, इत्तेफाक से ये आपका थोड़ा सा सॉल्व हुआ है। जो जो जहाँ मिसिंग नंबर हैं वो आपने लिखने होंगे, यानी कि यहाँ पर जो है 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लिख देंगे, यहाँ पे 25 लिख देंगे, इस तरह पे 10, 20, 20 लिख देंगे, फिर उसके बाद इन नंबर्स को काउंट करेंगे, प्लस करके लिख देंगे, जो आएगा 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ पे 26 आ जाएगा, यहाँ पे भी 26 लिख देंगे। इस तो आप इसको कंप्लीट करेंगे, यानी एफ से जे तक जो है आपका ये प्रैक्टिस होमवर्क है, एफ जी एच आई एंड जे, ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 28 में आ जाएं, 28 पेज जो है वो 27 की ही तरह है, सिर्फ उसमें क्या नंबर्स थे, उसमें 20 से 29 के दरमियान नंबर्स हैं, जबकि इसमें जो है 30 से 39, यानी 32, 39 के दरमियान के नंबर्स जो हैं इसमें यूज़ होंगे। इसको अब आपको इसको बिल्कुल सेम तरीका है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन बाहर फिर भी आपको मैं कराता हूँ, 10, 20, 30, यहाँ पर हमारे पास 30 आ गया, वंस कितना है हमारे पास, वंस है इसमें 1, हमने प्लस का साइन लगाया, 1 हो गया 30, एंड इसके अंदर 1 ऐड करें 31, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा 31। इसी तरह इसके सी पार्ट में आइए, बिल्कुल
28 पेज जो है बिल्कुल सेम उसी तरह है इससे पहले जो आपने 27 पेज पे करा है। 22 के एक दो पार्ट वो करा देता हूँ आपको मैं। 10, 20, 30 यहाँ पे हमारे पास फिर 30 आ गया। 30 के साथ ही हमने कितना लिखना है यहाँ पे प्लस कितना करना है 2, लिहाजा 2 लिख दिया। 30 पूरा हो गया। 31, 32 ये हो गया 32। यहाँ पर हम लिख देंगे 32। इसी तरह जो है अब आप इस पेज को कंप्लीट करेंगे, एक उस और पार्ट करा देते हैं। 10, 20, 30 30 आ गया। उसके बाद 1, 2, 3 प्लस हमने 3 करा। 10, 20, 30, 31, 32, 33 यहाँ पे हमारे पास 33 आ गया और यहाँ पर भी अब हम 33 लिख रहे हैं। इसके साथ ही अब आप इस पेज को खुद कंप्लीट करें, यानी कि ई से लेके जे तक, यानी ई एफ जी एच आई जे, ये आपका होमवर्क आ गया। अब आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 29 पर आ जाइए, पेज नंबर 29 पर आ जाइए। 29 पर भी जो है नंबर्स हैं हमारे पास 40 to 49। राइट द मिसिंग नंबर्स एंड नंबर्स नेम, नंबर्स नेम बताने हैं और मिसिंग नंबर को फिल करना है। ये बिल्कुल सेम जो है इससे पहले हम पीछे कराते आ रहे हैं, यानी 27 पेज पे, 28 पेज पे बिल्कुल सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। सिर्फ वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 20 एंड 30 के नंबर्स थे, यहाँ पर हमारे पास 40 के नंबर्स अबव हैं, यहाँ पर हमारे पास 40 से अबव हैं। तो 40 के लिए हमारे पास सबसे पहले नंबर वन, इसके दो पार्ट में आपको करा देता हूँ। 10, 20, 30, 40 एंड प्लस करने हमारे पास 141, लिहाजा ये हो गया 41 और यहाँ पर अब हम लिख देंगे 41। इसके साथ ही एक पार्ट और कराते हैं, सी पार्ट। 10, 20, 30, 40 हमने यहाँ पे 40 लिख दिया, प्लस हमने साइन करा, प्लस मंथ्स में कितने हैं वो लिखेंगे 1, 2, 2 और इस तरह ये हो गया 42। अब हम यहाँ पर 42 लिख देंगे। इसी तरह अब आप जो है इसको खुद प्रैक्टिस करें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि वही 40 आएगा, 41, 42, 43 आ जाएगा, यहाँ पर 43 लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे नंबर 40 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 लिखेंगे, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 और यहाँ पे 43 लिख देंगे। 40 + 3, 43 और यहाँ पे हम 43 लिख देंगे। इसको अब आप कंप्लीट कर लें एंड तक, जे तक जो है आपका होमवर्क है। पेज नंबर 30 पे आ जाइए। हाउ मैनी टेंस, कितने टेंस हैं, हाउ मैनी वंस और इसमें वंस कितने हैं वो हमने बताने हैं। अब इसमें हम देखते हैं बी पार्ट में जो है वो जो है टेंस जो हैं वो 2 हैं, 2 टेंस और वंस कितने हैं प्लस 1, 2, 3, 4, 5 वंस जो हैं इसमें 5 हैं, लिहाजा हम इसको अब 2 की जगह हम कितने लिखें टेंस की सूरत में 20 एंड वंस कितने हैं 5 और ये हो गया हमारे पास 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसका एक पढ़ो कराते हैं, टेंस देखेंगे टेंस कितने हैं हमारे पास, 10 है यहाँ पास 110, 10 कितना हमारे पास 1 और वंस को हम काउंट करेंगे प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वंस जो है हमारे पास 9 है, हमने वंस लिख दिए 9। टेंस कितने हैं 1 टेंस हो गए प्लस 9, इसको ऐड करें यानी 10।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लिहाजा आंसर आ गया हमारे पास 19। बिल्कुल सेम इसको आपने खुद सॉल्व करना है, यानी कि 10, 20, 30, 40, तो 10 से इसमें कितने हुए, 110, 210, 310, 410। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 410, और इसके साथ ही वंस कितने हमारे पास, वंस जो है उसमें हमारे पास 1 है, लिहाजा हमने यहाँ पे 1, 1। तो इस सूरत में हमारे पास क्या हो गया, 40 एंड प्लस 1, 40, और ये आंसर आ गया पास 41। अब आप इसको ई से ई टू एच जो है अब आप जो है खुद प्रैक्टिस करें, ई एफ जी एंड एच, ये आपका जो है प्रैक्टिस होमवर्क है। इसके साथ ही इसके बाद पेज नंबर 32 पे आ जाइए। पेज नंबर 32 पे 1 जो है आपका पूरा सॉल्व है, बी को हम सॉल्व कराते हैं, इसमें मिसिंग नंबर बताने हैं और नंबर नेम बताना है। इसके अंदर जो हमने मिसिंग नंबर बताने हैं और नंबर नेम लिखना है वो क्या है, तो मिसिंग नंबर के लिए 5050 एंड 151, लिहाजा यहाँ पे आ गया हमारे पास 51। इसके साथ ही अब यहाँ पे हम देखते हैं टेंस में कितना है और वन में कितना है, वंस में कितना है। तो टेंस में हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ हमारे पास आ गया 50, एंड वंस में कितना है हमारे पास, वंस में हमारे पास 1, 2, लिहाजा यहाँ पे आ गया 2, और ये हो गया, इसको ऐड करें 50, ये तो पूरा 50, 51, 52, आंसर आ गया हमारे पास 52। अब इसको इसी तरह हम नंबर नेम लिखेंगे, क्या है ये 52। इसके साथ ही अब आप डी पार्ट में आ जाइए, टेंस कितना है 1, 2, 3, 4, 5, टेंस है हमारे पास 50, एंड वंस में हम देखते हैं कितना है 1, 2, 3 प्लस 3, 53, और इसका अब हम जो है नंबर नेम लिखेंगे, यानी कि 53। अब आप इसको कुछ जो है आम है उसमें बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे 50 और ये नंबर लिख देंगे, वंस कितने हैं 54 हो गया, ये आपको फिल हुआ है, और यहाँ पे हम जो नंबर नेम बताएंगे ये हो जाएगा 54। अब आप इसको जो है कंप्लीट करेंगे आए, ओके। इसके साथ ही आप पेज नंबर 33 पे आ जाइए। पेज नंबर 33 नंबर्स 60 to 69, राइट द मिसिंग नंबर एंड नंबर नेम। इससे पहले जिस तरह कराते हैं बिल्कुल सेम है, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हुआ हुआ है, सेकंड यानी बी इसका माँ हमको सॉल्व कराते हैं। टेंस कितने हैं इसमें, 60 है, 60 प्लस वंस में कितना हमारे पास 1 है, लिहाजा यहाँ पर पास 1, और ये आ गया 61। अब हम नंबर नेम इसमें लिख देंगे 61। इसके साथ ही सी पार्ट में आ जाइए। सी पार्ट में जो है टेंस जो है 60 है, और वंस में अब हम देखते हैं कितना, 1, 2 प्लस 2, अब हम यहाँ लिख देंगे 62, लिहाजा हमने यहाँ पे लिख दिया 62, और यहाँ पे भी अब हम लिख देंगे 62। इसके साथ ही एक पार्ट और सॉल्व करा देते हैं आपको। डी पार्ट में जो है टेंस में कितना है 60, वंस में हम देखते हैं कितना है 1, 2, 3 प्लस 3, 60 तो ही पूरा हो गया, 61, 62, 63, लिहाजा यहाँ पे आ गया हमारे पास 63, और यहाँ पर जो है हम नंबर्स नेम लिख देंगे, क्या है हमारे पास 63, ओके 63 लिख दिया हमने। और इसके साथ ही अब आप जो है इसी को
यहाँ पे वही 60 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे, 60 के बाद हम काउंट करेंगे 61, 62, 63, 64, यहाँ पे 64 आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे 64। अब इस पेज को आप जो है एंड तक फिर बाकी कंप्लीट कर लेंगे जो आपका होमवर्क है, यानी ई एफ जी एच आई जे, यह अब आपका होमवर्क है। और इसके साथ ही आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हुआ 33 पे।